ये एक BS6 सिग्ना है, जिसका प्रॉब्लम है इंजन का जो गैस पाइप है वहाँ से ऑयल गिरता है। ये देखिए कितना सारा ऑयल गिरा हुआ है पत्ती में। ये सिर्फ लोड गाड़ी में होता है बोला, खाली गाड़ी में नहीं होता। तो हमने कमेंस इन लाइन मिनी को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करके इसमें फॉलकूट देखा है 555C, जो कि क्रैंकेस फिल्टर का है, और बाकी सब इंजेक्टर का भी है। इंजेक्टर 1, 2, 3 सब का आ रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें। ये क्लस्टर मीटर में विजिट बॉक्स सब आ रहा है। अगर ये सब फॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्रैंकेस फिल्टर को चेक कर लेना है। और ये है क्रैंकेस फिल्टर, जो कि ठीक पंखा का पीछे में रहता है। इसमें एक लॉक लगा हुआ रहता है, ये लॉक को पहले खोल लेना है पाइप का। खोलने के बाद जो ढक्कन है, ढक्कन को हम बेल्ट के थ्रू खोल देना है। ये है इसकी ढक्कन, इसका ढक्कन खोल लेता है। ढक्कन खोलने के बाद देखता है इसका अंदर फिल्टर जाम है क्या, सफा है। तो यह इसकी फिल्टर, तो फिल्टर पूरी तरह जाम है और इसमें ऑयल भी आया है। तो फिल्टर को लगा देना है ऐसा। अब हमको टेबिट कवर को खोल लेना है। टेबिट कवर को खोल के देखना है कि इसका इंजेक्टर का जो फॉल्ट आया है, इंजेक्टर का वायर टूटा है या दूसरा कुछ। और ये जैसे ही मैं टेबिट कवर को खोला, खोलने के बाद देखा उसका जो एक नंबर का दोनों पुश टू आउट है और एक एग्जॉस्ट रॉकर का बोल्ट भी टूटा हुआ है। तो यही ज़्यादातर गाड़ी में यह सब प्रॉब्लम आता है। पुश टू आउट बैन हो जाता है, रॉकर टूट जाता है या रॉकर ख़राब हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम में आपको सब रॉकर को बाहर कर लेना है, करके एक एक करके सब रॉकर को चेक कर लेना है कौन सा रॉकर में प्रॉब्लम है। अगर रॉकर पुश टू आउट ये सब ख़राब है तो आपको चेंज कर लेना है, नया डाल देना है। मैंने अभी सब रॉकर को आउट करने वाला हूँ, जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे और भी कुछ रॉकर का 3 नंबर का, 6 नंबर का रॉकर का भी प्रॉब्लम है। ये देखिए इसका ये बोल्ट टूटा हुआ है जो एग्जॉस्ट का। रॉकर पुश रॉड ये सब निकालने के बाद हमको ये बोल्ट भी निकाल लेना है जो हेड में फंसा हुआ है। स्क्रू ड्राइवर का मदद से हमको खोल लेना है ये चीज़ को। ये स्क्रू ड्राइवर का मदद से आसानी से खुल जाएगा। इसको मैंने खोल लिया। गाड़ी से ये सब रिमूव करने के बाद आपको एक एक करके चेक कर लेना है कौन सा रोकर ख़राब है। पुश रोड को भी चेक कर लेना है, ब्रिज को भी। अब मेरे को ये गाड़ी में 4 रोकर ख़राब मिले, जो कि एग्जॉस्ट रोकर और 2 पुश रोड ख़राब मिला। उसके बाद मैंने ये सब चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद गाड़ी ठीक हो गया। और एक चीज़ याद रखना है आपको, जो इंजन टेपिड एडजस्ट है उसको आपको अच्छा से एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको इंजन से रिलेटेड या फॉल्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना लूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।